अभी हम भगवान शिव के उस पवित्र स्थली पर आ चुके हैं जिन्हें हम प्रभुनाथ के नाम से जाने जाते हैं। नेपाल के सबसे पवित्र स्थलों में से एक प्रभुनाथ, भगवान शिव का मंदिर। यहाँ पर भगवान शिव की पूजन अर्चना से माना जाता है कि मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसे स्वर्ग का द्वार भी माना जाता है। यहाँ जो पौराणिक मान्यताएं हैं, माना जाता है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ से पांडवों ने स्वर्ग गमन का जो रास्ता है उन जो अपनाया था, उन रास्तों में से एक रास्ता इन्हीं रास्तों से होते हुए वो स्वर्ग गमन की तरफ प्रस्थान किए थे। मित्रों बता दें कि जहाँ पर हम हैं यह नेपाल के प्युठान ज़िले में आता है और समुद्र तल से लगभग 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये प्युठान ज़िले में सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, भगवान शिव का पवित्र मंदिर है, यहाँ पर ठहरने के लिए मंदिर परिसर के आसपास ही मंदिर प्रशासन द्वारा यहाँ पर जो है धर्मशालाएँ बनाई गई हैं और भोजन का दिव्य प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था है। महज 150 रुपये का भुगतान करने के बाद, इंडियन करेंसी की बात करें तो 150 रुपये इंडियन करेंसी की अगर का भुगतान करते हैं तो आपको यहाँ पर बेड, कंबल, रजाई और भोजन मिल जाएगा। कंबल रजाई की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पूरे साल ठंड होती है। आप अगर गर्मियों में मई जून की तपती दोपहरी में आते हैं जब इंडिया में धूप चलती है, लू भरी हवाएं चलती हैं, तो भी यहाँ पर ठंडक पड़ती है। हम लोग इस समय मिड अप्रैल चल रहा है, हम लोग यहाँ आए हैं, जहाँ इंडिया में कड़ी धूप है वहाँ कड़ी गर्मी हो रही है, यहाँ पर हम लोगों को रजाई ओढ़ करके बिताना पड़ रहा था। और आपको बता दें कि एक आत्मिक शांति के लिए, अगर झंझावातों से परेशान हैं, बहुत सारी समस्याओं से घिरे हैं, मानसिक शांति के लिए स्थान सबसे अच्छा माना जा सकता है। और मैं यहाँ आने का पूरा पूरा आपको बताऊंगा। मित्रों बता दूं कि अगर आप भारत से यात्रा प्रारंभ करते हैं तो बहुत सारे रास्ते यहाँ पर पहुँचने के लिए हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन रास्ता जो है वह है बढ़नी बॉर्डर। सिद्धार्थनगर में पड़ता है बढ़नी, और बढ़नी बॉर्डर कृष्णानगर बढ़नी बॉर्डर है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो ट्रेन से आप बढ़नी पहुंच सकते हैं। सबसे आसान जो तरीका है गोरखपुर गोंडा लखनऊ, ये जो रूट है बिहार से आने वाले जो यात्री हैं, दर्शनार्थी हैं, वो ट्रेन से आएँ, बढ़नी रुक जाएँ या नौगढ़ में उतर जाएँ। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय है नौगढ़, वहाँ उतर जाएँ। अगर आप बढ़नी उतरते हैं तो बढ़नी बॉर्डर क्रॉस करेंगे, कृष्णानगर आएंगे और यहाँ पर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा। प्युठान ज़िले में स्थित है, नेपाल के प्युठान ज़िले में स्थित है, जिसे हम स्वर्गद्वारी के नाम से, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इसको स्वर्गद्वारी के नाम से जाना जाता है, माना जाता है कि ये स्वर्ग का द्वार है और यहीं से पांडव होते हुए स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किए थे। तो आप बढ़नी आ जाइए, बढ़नी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आप निजी वाहन से आना चाहते हैं तो आप गोरखपुर होते हुए सिद्धार्थनगर आइए। सिद्धार्थनगर में 3-4 बॉर्डर है, जिसे एक खुनवा बॉर्डर के नाम से जानते हैं, खुनवा बॉर्डर, तौलिहावा बॉर्डर से भी आ सकते हैं। इसके अलावा आप लुम्बिनी वाले रास्ते से भी आ सकते हैं और ककरहावा जिसको बॉर्डर कहते हैं। इसके अलावा सबसे वह कृष्णानगर बॉर्डर है, तो गोरखपुर से सबसे नज़दीक कृष्णा नगर बॉर्डर, लेकिन जो सबसे अच्छा बॉर्डर है जहाँ पहुँच मार्ग है वो बढ़नी है। उसके आप नेपालगंज बहराइच होते हुए आ सकते हैं, सुनौली बॉर्डर से भी आ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप हवाई यात्राएँ, जो हवाई यात्राएँ करके आना चाहते हैं, साउथ से आना चाहते हैं, उनके लिए बता दें कि साउथ से आने वाले जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए आपको जो हवाई अड्डे नज़दीक हैं वो लखनऊ हवाई अड्डा, अयोध्या हवाई अड्डा और गोरखपुर हवाई अड्डा। अभी श्रावस्ती में भी हवाई अड्डाएँ हैं, हवाई अड्डा बन गया है और वहाँ हवाई सेवा शुरू हो गई है। लगभग 1074 रुपये में लखनऊ से यहाँ की यात्रा की जा सकती है श्रावस्ती तक की। तो जो साथी लखनऊ से श्रावस्ती आना चाहते हैं तो वहाँ आ जाएं, उसके बाद फिर आपको नेपालगंज या बढ़नी बॉर्डर जो नज़दीक आपके लिए पड़ेगा वहाँ से आएँ और यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप गोरखपुर हवाई अड्डे पर भी आ सकते हैं, यहाँ से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर के आ सकते हैं। लेकिन अगर आप रोमांचक यात्रा करना चाहते हैं, कुशीनगर से भी आता है, एक उड़ान कुशीनगर से दिल्ली की अभी है, लेकिन अगर रोमांचक यात्रा करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर आपको डर नहीं लगता ऊंची पहाड़ियों में गाड़ी ड्राइव करने, तो आपके पास अगर 150-200 cc से ऊपर की गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, तो उठा लीजिए मोटरसाइकिल, किसी एक साथी को बैठाइए और निकल जाइए इस रोमांचक यात्रा पर। निश्चित तौर पर दोस्तों जो रोमांच आपको मिलेगा इस यात्रा में, आप बढ़नी आ जाइए या तौलिहावा जिसे मैंने खुनवा बॉर्डर किया था, यहाँ से आपको चंद्रौटा नाम का एक जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, चंद्रौटा में एक बहुत ही अच्छा वाटर पार्क बना हुआ है,
वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। अगर बच्चों के साथ फैमिली के साथ आ रहे हैं तो उस वाटर पार्क में भी जाएं, वहाँ पर स्विमिंग पूल बना हुआ है बच्चों के लिए और बहुत ही हाईटेक 4-स्टार होटल बना हुआ है, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। उसके बाद चंद्रावटा से आपको डांग जिले में आना होगा। डांग जिले का एक कस्बा है जिसको भालूबांग के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ पर भालूबांग के पास ही जो इस राप्ती है, राप्ती का वहीं से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है रोलपा एक नामक एक जगह है राप्ती, जिसे हम पूर्वांचल की गंगा मानते हैं। तो आप जब भालूबांग आते हैं तो भालूबांग से आप किसी से पूछ लेंगे कि मुझे भिंगरी जाना है, तो भिंगरी वाला जो हाईवे है आप भिंगरी आएंगे। और भिंगली एक ऐसी जगह है जो इस पहाड़ी के ऊँची, हम सबसे ऊँची पहाड़ी पर चोटी पर हैं, तो भिंगरी आप जब पहुँचते हैं तो भिंगरी में बहुत सारे होटल बजट के होटल आपको मिल जाएंगे और यहाँ पर आप रात्र विश्राम कर सकते हैं। सुबह यहाँ आप आ जाइए और भगवान का दर्शन करिए, स्नान ध्यान करिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मंदिर परिसर में ही आए तो भिंगरी से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्गद्वारी है और ये भगवान का बहुत ही पवित्र मंदिर, शिव का पवित्र मंदिर है। भगवान शिव यहाँ पर साक्षात विराजमान है और आप भिंगरी से 14 किलोमीटर की दुर्गम और कठिन यात्रा करते हुए पहाड़ की सबसे ऊँची चोटी यहाँ आइए। नीचे आपको अपना वाहन खड़ा करना होगा और लगभग आधे घंटे की सीढ़ियों की चढ़ाई, कठिन सीढ़ियों की चढ़ाई करते हुए आप इस पवित्र स्थल पर पहुँचेंगे। यहाँ आप जब पहुँच जाएंगे तो आपको 150 रुपये का एक शुल्क प्रति व्यक्ति के हिसाब से पे करना होगा इंडियन करेंसी में और उसमें भोजन रहने खाने की आपकी व्यवस्था होगी। सुबह स्नान ध्यान करिए, भगवान का दर्शन करिए और भगवान शिव का दर्शन करके आत्मिक शांति प्राप्त करिए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर और कमेंट करके बढ़ाइए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँच पाए, भगवान शिव का दर्शन कर पाएँ और इस पवित्र स्थल के बारे में जान पाएँ। धन्यवाद।